Hello, Yali Kids teachers. Today we shall be looking at Jolly Phonics. What is Jolly Phonics? Let's begin with that. Alright, now hum sabke paas phone hota hai, phone ko phone kyun bolte hain? फोन को फोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें से आप आवाज ट्रांसफर कर सकते हो, राइट? तो फोनिक्स जो वर्ड है वो बेसिकली आवाज के टुकड़ों को समझना और उसके बाद उन टुकड़ों की समझ से लिखने और पढ़ने का ज्ञान. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से लैपटॉप, आई एम बेसिकली making one word which comprises of many sounds. Now what are those sounds? The sounds are L, A, P, T, O, P, laptop. Alright, so these are the sounds that I am bringing together to make a word. Hindi mein samjhata hun ki aap आपके शब्दों को उनकी साउंड में, उनकी ध्वनि में, उनकी आवाज पे डिवाइड कर दो अलग अलग हिस्से में, ठीक है? जैसे कि अगर मैं कहूँ लैपटॉप, तो लैपटॉप में कौन कौन सी आवाजें होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनि के कौन कौन से टुकड़े करने कर सकते हो आप? ल, ल, ए, प, ट, ओ, प, लैपटॉप. ना फोनिक्स को आप बहुत तरह से कराया जा सकता है. कन्वेंशनल तरीका या एक तरीका फोनिक्स को कराने का जो है, ठीक है, हम बच्चों को ए बी सी डी नहीं सिखाते. हम बच्चों को सिखाते हैं ए, ब, क, द. टी के बाद क्या आता है? ई, राइट? ई होता है फोनिक्स में ए, 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 ब, क, द, ए, 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 ए. फोनिक्स में जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉली फोनिक्स. उसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी से शुरू नहीं करते, ए, ब, क, ड से भी शुरू नहीं करते. हम शुरू करते हैं स से. स, ए, ट, प, इ, न. Alright. बेसिकली बच्चों को आपको ये सिखाना जरूरी है कि शब्दों का उच्चारण किस तरह से होता है. रीजन के हिसाब से हमारा डायलेक्ट या हमारी टोन बदल जाती है, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो. हाउ आर यू और मैं बोलू हाउ आर यू, तो बच्चा क्या समझेगा? हाउ आर यू, हाउ आर यू. मैं बोलना तो हाउ आर यू नहीं चाहता था, मैं तो कहना चाहता हूं हाउ आर यू, राइट? तो हमको हर वर्ड का, हर साउंड का सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है. तो उसमें सबसे पहली आवाज, सबसे पहली ध्वनि, सबसे पहली साउंड जो हमको सीखनी है वो है स. तो हम लोग बच्चों को एस नहीं सिखाएंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे स. दैट इज द साउंड ऑफ स. स या एस को हम लोग बोलेंगे स. नेक्स्ट साउंड इज ए. ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल. All right. The third sound that we will teach the child is P. P. All right. We are not going to teach child P. P नहीं सिखाना है. P सिखाना है. A. T. P. E. I नहीं बोलना है. E बोलना है. I नहीं बोलना है. E बोलना है. All right. These are the six sounds that we have to use. S, a, t, p, I, n.
ये साउंड्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं. तो हम बच्चों को एस ए टी पी आई एन ये नहीं सिखाते, हम बच्चों को ए बी सी डी नहीं सिखाते. हम बच्चों को जॉली फोनिक्स में शुरू ही आवाज़ से कराते हैं. पहली आवाज़ जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो होती है ये पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज. पहले आप बच्चों को इसके बाद हम बच्चों को नेक्स्ट सीरीज ऑफ साउंड्स, सीरीज ऑफ फोनिक्स सिखाएंगे. नाउ बहुत सारे टीचर्स हम में ऐसे भी हैं जो ढंग से नहीं बोल पाते. उसका वन ऑफ द चेक, एक तरीका चेक करने का है, क्या बोलिए, जय मां संतोषी, जय मां संतोषी. बहुत लोग बोलते हैं संतोषी या बोलते हैं संतोषी. एक बात और जो इस समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो है कि हम बच्चों को जब जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम लोग बच्चों को सिर्फ बोलना सिखा रहे हैं, लिखना नहीं सिखा रहे अभी. ऑलराइट, इस समय हम लोग बच्चों पे सिर्फ और सिर्फ बोलने पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. इस स्टेज पे हम बच्चों को सिर्फ पेंसिल होल्ड कैसे करते हैं, हाथ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाथ को किस किस तरह से फोल्ड किया जा सकता है वो सिखाते हैं. और उसके लिए पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप वो बहुत सारे तरीके से बच्चों को सिखा सकते हो, है ना. तो ये जो जिस तरह से हम बच्चों को अपने हाथ पे और अपनी उंगलियों पे कंट्रोल करना सिखाते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं राइटिंग से पहले, इसलिए उसको कहा जाता है प्री राइटिंग स्किल्स. प्री मतलब पहले, राइटिंग लिखना, स्किल्स लिखने से पहले वाली स्किल्स, प्री राइटिंग स्किल्स. हम लोग बच्चों को पहले वो उसकी प्रैक्टिस कराते हैं. आप उसकी प्रैक्टिस हाथ से बच्चों को एयर में ड्रॉ करने के थ्रू भी करा सकते हो, आप बच्चों को सैंड के ऊपर भी लिखना सिखा सकते हो, आप बच्चों को की शेप बनाना भी सिखा सकते हो कि देखो बच्चों ऐसे बनता है like a snake. आप ऐसे भी सिखा सकते हो, बट important thing is कि आप बच्चों को हाथ का आवाज का इस्तेमाल करना पहले सिखाओ, और उसके साथ साथ हम बच्चों को प्री राइटिंग स्किल्स पे फोकस करते हैं. वंस दे आर एबल टू रिकग्नाइज द साउंड दे आर वेन इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ देम, जब आप उनके सामने लिखते हो तो वो बोलेंगे. अगर वो बोलना सीख रहे हैं तो मेमोरी का इस्तेमाल करना सीखना है उसमें, है ना. तो पहले आप उनको वो और उसको बोलना, ये दो चीजें सिखाते हैं, उसके बाद लिखना आता है. आज का टास्क है कि आपको मेरे को एक शॉर्ट वीडियो भेजना है, उस वीडियो में आप इन साउंड्स का आप मेरे को प्रैक्टिस करके व्हाट्सएप ग्रुप में सारे टीचर्स को भेजोगे. हम सब के सब देखेंगे कि आप इनको किस तरह से आप बोलना शुरू करते हो, किस तरह से आप उनको बोल रहे हो. अगर उसमें गलतियां होंगी तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे ही, वीडियो पे ही करेक्ट करूंगा. इस चीज के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, नेट पे आप ढूंढ के उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. टुमारो 3 o'clock तक मेरे को व्हाट्सएप पे सबके वीडियोस चाहिए, अगर नहीं मिले तो मैं पैसा काटूंगा. उसके साथ आज का ये टीच लेसन खत्म होता है. नमस्ते. ओके, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये टोपी क्यों पहनी है, मैंने टोपी पहनी है इसलिए कोरोना वायरस की वजह से हम सब घर में लॉक्ड हैं, तो आई वॉज थिंकिंग कि अब क्या किया जाए. तो मैं